लाहौल स्पीति में मणिमहेश यात्रा पर निकला श्रद्धालुओं का 22 सदस्यीय दल डुग्गी नाले में फंस गया। सोमवार दोपहर बाद ग्लेशियर पिघलने से अचानक डुग्गी नाले में जलस्तर बढ़ गया, जिससे श्रद्धालुओं को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। गनीमत ये रही कि मणिमहेश एडवेंचर एजेंसी का एक दल डुग्गी नाले के दूसरे छोर पर दिल्ली से आए एक दल को क्षेत्र में एडवेंचर गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहा था। श्रद्धालुओं के चिल्लाने की आवाज सुन एडवेंचर ग्रुप के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने उफनते नाले से 22 श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया। लाहौल स्पीति से मणिमहेश यात्रा पर निकाला श्रद्धालुओं का 22 सदस्यीय दल डुग्गी नाले में फंस गया। सोमवार दोपहर बाद ग्लेशियर पिघलने से अचानक डुग्गी नाले में जल स्तर बढ़ गया, जिससे श्रद्धालुओं का संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। गनीमत यह रही कि मणिमहेश एडवेंचर एजेंसी का एक दल डुग्गी नाले के दूसरे छोर पर दिल्ली से आए एक दल को क्षेत्र में एडवेंचर गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहा था। श्रद्धालुओं के चिल्लाने की आवाज सुनकर एडवेंचर ग्रुप के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने उफनते नाले से 22 श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया। नाला पार करने के बाद श्रद्धालुओं की जान में जान आई, जिसके बाद भी मणिमहेश यात्रा के अपने अगले पड़ाव के लिए निकल गए। प्राप्त जानकारी अनुसार हर वर्ष लाहौल स्पीति के शिव भक्त मणिमहेश यात्रा के लिए बाया कुकती जोत होकर निकलते हैं। बर्फीले दर्रे तथा तेज बहाव वाले नालों को पार कर लाहौल स्पीति के श्रद्धालु करीबन 90 किलोमीटर का सफर तय कर मणिमहेश पहुंचते हैं। इसी क्रम में 3 दिन पूर्व 22 सदस्यों का एक दल मणिमहेश यात्रा के लिए निकला था। सोमवार दोपहर बाद जब यह दल कुकती दर्रे को पार कर नीचे डुग्गी नामक स्थान पर पहुंचा, तो ग्लेशियरों के पिघलने से अचानक नाले का जलस्तर उफान पर आ गया। इस दौरान भीड़ पालकों द्वारा नाले पर बनाई गई लकड़ी की अस्थायी पुली भी बह गई। जान जोखिम में प्रति देखकर दल के सदस्यों ने चिल्लाना शुरू किया। एडवेंचर टीम के सदस्य ने मौके पर पहुंचकर उन्हें सकुशल नाला पार करवाया।